नमस्कार जहिन साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेडिके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं आपके भरतपुर से, जहां पे एआरओ अलवर की जो रैली भर्ती है वो चल रही है, जहां पे आपको देख रहे हैं यहां पे जो पांडाल में जो बच्चे हैं जिनका रनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी इनमें साथ में है। साथ में जिनकी कल रनिंग है वो भी यहाँ पे है, और साथ में जो बच्चे आज इनकी रनिंग हुई थी वो अभी अंदर ही है, उनको भी रात्रि 10 बजे तक निकाला जाएगा। साथ में इन बच्चों से पूछेंगे कि इनकी रनिंग है वो रनिंग किस प्रकार की है, सुबह एंट्री के समय कितनी बजे एंट्री करवाई जाती है, और कितनी बजे एंट्री के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ में कितने बच्चों का बैच बन रहा है, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर रहे हैं, साथ में जिनका मेडिकल हो गया है तो मेडिकल में किन किन बच्चों को कौन से पॉइंट दे रहे हैं, वो सारी चर्चा इसमें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फिट वाले बंदे भी हैं, जिनके कल रनिंग है वो भी बंदे यहाँ पे हैं, और जो बंदों का रनिंग कंप्लीट हो चुका है वो बंदे भी हैं। तो एक बार इन बच्चों से पूछते हैं, एक बार आइए धीरे धीरे, जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इन बच्चों में आप जो जोश जुनून है, और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे वही हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिन बच्चों का रनिंग है जो सुबह रनिंग है। यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे बैठे देख रहे हैं आप सबको, और जो एंट्री के समय आपको देखने को मिल रहा है, जो एंट्री के समय भी यहाँ पे काफ़ी जो बच्चे हैं जो सुबह रनिंग के लिए तैयार हैं, और एंट्री सुबह कितनी बजे कराई जाती है आप सबको ये मेरे हिसाब से पता होगा, परंतु जो एंट्री का समय जो गेट है वहाँ गेट पे भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पे जो फोटो लगा रहे हैं एडमिट कार्ड पे, और इनकी सुबह रनिंग है, एंट्री इनकी सुबह 12 बजे भी रात्रि 12 बजे एंट्री करवा दी जाएगी। मेन डॉक्यूमेंट्स है वो एक तो इनका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, और जो शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी कि इनकी जो 10वीं और 12वीं है वो डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। एक बार इन बच्चों से पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है भाई इनके, आप कहाँ से हो? बानसुर से, कोटपुतली बाई रोड से। कोटपुतली बानसुर से है, आपकी रनिंग सुबह है ना? हाँ सुबह मॉर्निंग। आपकी होम ग्राउंड में जो टाइमिंग है वो क्या रही है वो बताना चाहोगे? ग्राउंड में? हाँ आपके ग्राउंड में। वो तो राज रखना चाहते हैं। राज रखना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, सिस्टम हैंग हो जाएगा है ना। हाँ वो बात भी सही है, सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, वो बात तो सही है, पर फिर भी एक बार गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको भाई ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। हाँ थैंक यू। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके कोई दोस्त या कोई पहले रनिंग यहाँ पे कम्प्लीट कर चुका है क्या? हाँ हाँ। तो उसको पता होगा कि यहाँ पे कितने का बैच बन रहा है, एक बार ये बताना चाहोगे? बता रहे हैं कि 100 का बैच बन रहा है, अच्छे बंदे पकड़ रहे हैं और टाइम पूरा दे रहे हैं। टाइम पूरा दे रहे हैं और अच्छे बंदे पकड़ रहे हैं, ये बताएं। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, हमने भी जिस बच्चों से पूछा सब बच्चों ने ये नहीं। यार आपकी क्या राय भाई, रनिंग के बारे में क्या बताना चाहोगे? रनिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या, पूरा एक ही जगह से हो, और रनिंग के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं भाई, ज़्यादा चर्चा से आपसे नहीं करेंगे, एक बार सारी पंडाल की तरफ देख सकते हो, काफ़ी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, और कई हमारे भी बच्चे जो गुरुकुल आर्मी से जो बच्चे तैयारी कर रखे हैं वो भी यहाँ पे कई बच्चे मिले हैं, अभी बाहर भी हैं, और एंट्री है वो यहाँ पे 12 बजे करवाई जा रही है। रनिंग का जो पहला बैच है वो 4 बजे है जो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स है वो कम्प्लीटली आपको रखना है, डॉक्यूमेंट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सारे बच्चे हैं जो इनकी रनिंग आपके साथ शेयर कर ली है। आपकी रनिंग कल सुबह? कल। कहाँ से आए हो आप? बैरोड से। बैरोड से। और ये भी बताया जा रहा है कि कल जो 3 तहसीलों की रनिंग है वो तीनों ही धाड़ फाड़ तहसील बताई जा रही है, यानी कि जो सूरवीर है वो कल ही रनिंग, मेन इंपॉर्टेंट इस एआरओ की अलवर की जो धाड़ फाड़ रनिंग है वो सुबह ही रनिंग होगी, ये बच्चे बता रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे भी घबरा रहे हैं कि सर सबसे ज़्यादा रनिंग है वो बेस है, वो कल ज़्यादा बनेंगे और टाइमिंग कम दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइमिंग है वो पूरी दी जाएगी, क्योंकि स्टॉपवाइज पूरा लगा हुआ है, और अब तक की जो भर्ती हुई है उनमें देखने को मिल रहा है कि पूरा जो टाइमिंग है 5:30 तक जितने भी जो बंदे आते हैं, 10 बंदे हो चाहे 11 बंदे, वो एक्सीलेंट में लिए जाते हैं, और उसके बाद 5:45 तक, यानी कि 5:45 से ऊपर ही टाइमिंग दिया जा रहा है, 48:49 तक दिया गया है वो भी देखने को मिला है, और उसमें आज भी 54 बच्चों तक पकड़ा गया है। तो आपको घबराना नहीं है, सुबह आपको आराम से जाना है, और कोई ना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना, और डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी है वो अवश्य आपको याद रखना होगा। मेन एंट्री के समय आपके 2 एडमिट कार्ड और 2 ही आपके प्रवेश पत्र, साथ में 10वीं की मार्कशीट है वो आपको साथ में रखनी होगी, या 3 वहाँ पे एंट्री गेट के समय भी लगाया गया है, और एंट्री आपकी 12:15 पे स्टार्ट हो जाएगी, पहला बैच 4 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चे अच्छे पकड़ रहे हैं। और बात करें मेडिकल में, तो मेडिकल में भी यहाँ पे कल की बात करें तो 181 बच्चों में से की बात अपन करते रहेंगे, जैसे इन बच्चों का सुबह रनिंग होगी तो उससे बच्चे से बात करेंगे कि फिजिकल में कौन से ज़्यादा डिफिकल्ट दे रहे हैं, किस में। बादलों को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कौन कर लेना। जय हिंद जय भारत।